आज भिवंडी के धामनकर नाका कनेरी में एक जिम का उद्घाटन भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले के हाथों रिबन काट कर किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि शहबाज फिटनेस सेंटर यानी कि इस जिम के उद्घाटन के लिए भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, समाज सेवक साईनाथ पवार स्वतः उपस्थित होकर इस जिम के उद्घाटन में पहुंचे, जहां पर हम आपको बता दें कि आए हुए सभी मान्यों का स्वागत इस जिम के प्रोपराइटर, आपको बता दें कि शहबाज इमदाद शेख और इमदाद जमाल शेख ने खुद पुष्प गुच्छ देकर आए हुए मान्यों का स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस जिम को बनाया गया है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, यानी कि खुद के स्वास्थ्य के इधर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसको लेकर लोगों में बीमारियां जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस जिम के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया गया कि जिस तरह से इस जिम का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि खुद के जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि विधायक महेश चौगले ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशा की ओर काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस जिम के माध्यम से उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। कहा कि जिस तरह युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, वो अपने फिटनेस की ओर बढ़ेगी तो एक अच्छा कार्य उनके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए होगा। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, साथ ही साथ समाज सेवक साईनाथ पवार ने अपने वक्तव्य में इस जिम के जो प्रोपराइटर हैं शहबाज शेख और उनके पिता इमदाद जमाल शेख का आभार प्रकट किया और शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज ये शहबाज फिटनेस सेंटर हुआ है, उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले देता हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ हो रही है, नहीं तो इधर क्या चलता था। ठीक है, लेकिन सही में जो यंग बच्चे हैं उसमें जुड़ रहे हैं, नहीं तो आज ज़्यादातर लोग ये हुक्का पार्लर इसमें जा रहे हैं। उससे अच्छा एक यंग बच्चा ऐसा फिटनेस में उसकी जो लगाव आ जाएगा तो इसके चढ़ते सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग उसमें आएंगे, और उसमें कुछ नुकसान नहीं है, अपने बॉडी का फ़ायदा ही है। ये लोगों को समझाना मांगता, और यंग बच्चे में क्रेज़ हो रहा है, और अभी तो कंपटीशन में अच्छी अच्छी जिम खोल रही है, तो ये भी कंपटीशन में एक जिम है, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छी जिम है, इसमें लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इधर भी अभी एक नई जिम और खोली है, लेकिन क्या वो ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन अच्छी सर्विस और अच्छे कोई कोचर रहेंगे और उनको थोड़ी मालूमात रहेगी, थोड़ा सा बच्चे लोग को फिर उसमें रिस्पांस आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। और मैं भी पहले बहुत किया हूँ जिम, तो मेरे को भी थोड़ी सी इसमें, लेकिन टाइम के वजह से अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मौका मिलाऊंगा तो इसके सही दर आऊँगा और ज़रूर मैं जिम करूँगा। सबसे पहले तो मैं SFC जो फिटनेस सेंटर है और उसके कोऑर्डिनेटर शेख साहब है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देऊंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि हमारे भिवंडी के लिए बहुत ज़रूरी है फिटनेस सेंटर, वो भी अच्छे इक्विपमेंट के साथ में। और मुझे लगता है कि हमारे भिवंडी के अंदर एक्सरसाइज की सबको आदत रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे भिवंडी के रास्ते तो ख़राब है, अगर एक्सरसाइज अच्छी रहेगी तो तंदुरुस्त रहेंगे। और बहरहाल जो हमारे यंगस्टर्स है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये जो उन्होंने अभी शुरुआत की है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको ऑल दी बेस्ट करता हूं, और उनके जिम से आने वाले समय में अच्छे स्टूडेंट इस क्षेत्र में आए, ये शुभकामनाएं मैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News, धन्यवाद।